नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। नागपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की शिरकत को लेकर खूब राजनीति गर्म हुई। प्रणब मुखर्जी के इस फैसले का न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी विरोध किया है। इन सब विरोधों की परवाह किए बिना प्रणब मुखर्जी ने 7 जून को संघ के कार्यक्रम में शिरकत की। अपनी शर्तों पर आरएसएस के इस कार्यक्रम में शामिल हुए प्रणब मुखर्जी ने संघ की एक पुरानी परंपरा को भी तोड़ दिया है। इस कार्यक्रम में शामिल होने से पहले प्रणब मुखर्जी के कार्यालय ने आरएसएस को बता दिया था कि संघ शिक्षा वर्ग कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति सबसे आखिरी में अपनी स्पीच देंगे, जबकि संघ की ये परंपरा है कि कार्यक्रम के सबसे आखिरी में सरसंघ चालक स्पीच देते हैं। पूर्व राष्ट्रपति की शर्त पर कार्यक्रम में 2 दिन तक माथापच्ची चली। प्रोग्राम के अंतिम सर्कुलर और 7 जून की सुबह तक यही खबर थी कि मोहन भागवत सबसे आखिरी में भाषण देंगे, लेकिन शाम को जब भाषण देने की बारी आई तो संघ से अपनी परंपरा तोड़ते हुए पूर्व राष्ट्रपति के कार्यालय की बात को मान लिया। दरअसल प्रणब मुखर्जी के सबसे आखिरी में भाषण देने की वजह ये मानी जा रही है कि उन्होंने जो अपने भाषण में बहुलतावाद और धर्मनिरपेक्षता की बात कही उसे काटा ना जा सके। जैसे 2007 में संघ के कार्यक्रम में पूर्व वायुसेना प्रमुख A.Y. टिपनिस की बहुलतावाद और धर्मनिरपेक्षता की बात का जवाब उस वक्त के सरसंघचालक K.S. सुदर्शन ने सिलसिलेवार तरीके से दिया था। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NMF न्यूज़।